दोस्तों, देश के हर हिस्से में सब्जी विक्रेता के पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना जरूरी होता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कई ऐसे विक्रेता हैं जिन्होंने ना तो रजिस्ट्रेशन करवाया है और ना ही लाइसेंस लिया। इन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए अब फूड एंड सेफ्टी विभाग ने दिल्ली की मंडियों में ड्राइव शुरू कर दी है, जिसमें वो कैंप लगाकर सब्जी विक्रेता को लाइसेंस दे रहे हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एंड सेफ्टी विभाग के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा सब्जी बेचने वालों को लाइसेंस दिया जाएगा या उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। क्या है इसके नियम? दोस्तों, फूड एंड सेफ्टी विभाग के अनुसार जिस सब्जी विक्रेता का कारोबार साल में 12 लाख से कम होता है, उन्हें या तो रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेना होता है। ये लाइसेंस 5 साल के लिए होता है, जिसकी फीस सिर्फ 100 रुपए ही होती है। इसके लिए विक्रेता को फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी और एक फोटो जमा करवानी होती है। बता दें कि राजधानी में साल 2021 से 2022 के बीच करीब 12,951 विक्रेताओं ने ये लाइसेंस लिया है। इसके साथ ही 29,372 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि इनकी संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। रजिस्ट्रेशन के लाभ क्या है? इसमें सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है। वहीं जब सैंपल लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने पर 25,000 रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ता। इसके अलावा विभाग के पास एक डेटा बैंक रहता है, जिससे किसी तरह की सरकारी प्लानिंग में मदद मिलती है। वहीं अगर किसी विक्रेता के खिलाफ लगातार शिकायत आती है तो विभाग उस पर सख्त कार्रवाई करता है। तो अगर आप भी एक सब्जी विक्रेता हैं तो अपने लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि सरकार अगर आपके लिए कोई खास योजना लाती है तो उसका फायदा आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।